Hello, class 4. Welcome back after years. So here we are going to start with the third chapter of our flowers book. आपके जो flowers book है उसका जो third chapter है Meena's letter, हम इसको start करने वाले हैं आज. So मुझे एक complaint मिली थी कि मैं सारी English में पढ़ाती हूँ, so समझ में नहीं आता है, तो इसलिए I have started with English and Hindi, bilingual start किया मैंने, तो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए. और जहां जहां भी मुझे लगा कि आपको मीनिंग्स बताने की जरूरत है वहां वहां पर मैंने आपको मीनिंग्स भी लिखकर बता दिए. तो लेट्स स्टार्ट. मीना कॉल्स हर ग्रैंडफादर नानू. मीना अपने ग्रैंडफादर को नानू बुलाती है, ठीक है. और ही इज हर मदर्स फादर. आपको पता है कि नानू कौन होते हैं, मम्मा के पापा. मीना रोट अ लेटर टू नानू अबाउट हर न्यू फ्रेंड. सो मीना जो है अपने नानू को लेटर लिखती है अपने न्यू फ्रेंड के बारे में बताते हुए. रीड व्हाट शी रोट. चलो देखते हैं हम उसने क्या लिखा. 15 जुलाई 2020 को उसने लेटर लिखा. डियर नानू, वो लिखती है, अ न्यू गर्ल ज्वाइंड आवर क्लास टुडे. हमारी क्लास में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया आज. मिस आस्क्ड हर टू सिट इन फ्रंट एंड टोल्ड द क्लास टू शो हर अराउंड एंड बी फ्रेंड्स विद हर. अब आपको इस लाइन का मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कुछ लोग अंदाजा भी लगा लेंगे कि क्या कह रही है. मिस मीन्स टीचर. टीचर ने उसको आगे की सीट पर बैठने के लिए बोला और पूरी क्लास से कहा कि उसको उसकी तरफ देखो, उसको सब सारी क्लास के बारे में समझाओ और उसके साथ फ्रेंडशिप करो. बट नोबडी स्पोक टू हर. लेकिन कोई भी उसके साथ बोला ही नहीं. अब किसी को ईगो होती है, किसी को शर्म आती है, कोई चिढ़ जाता है क्यों आ गया मेरी क्लास में, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वाह ये कहाँ से आई है, कुछ भी सोच सकता है. इसीलिए कोई भी उसके साथ किसी ने बात नहीं की. शी वॉज वेयरिंग अ प्रिटी ब्रेसलेट एंड हैड अ न्यू बैग. उसने बहुत सुंदर सा एक ब्रेसलेट पहना हुआ था और उसके पास न्यू बैग था. She wore her hair in two long plaits tied up with ribbons. So, उसके जो बाल थे उसने दो चोटियां बनाई हुई थी और दो चोटियों के पास में साथ में उसने ribbons भी लगाए हुए थे. Manu and Asim stared at her plaits. अब Manu और Asim दो लड़के थे, उसकी चोटियों की तरफ घूर घूर के देख रहे थे. Stared means looked at for a long time. काफी देर तक उसकी चोटियों को घूर घूर के देखते रहे. Then they whispered to each other and laughed. फिर उसका मजाक बनाते हुए एक दूसरे के साथ कानों में कुछ बोले. Whispered means धीरे से एक दूसरे के कान में कुछ बोले और हंसने लग गए एक दूसरे के साथ. अब कोई किसी का ऐसा मजाक बनाएगा उसको देखकर, काफी देर देखकर और फिर कुछ कान में बोलकर हंसेगा, तो इसका तो मतलब यही है कि उसके बारे में कुछ बात करके हंस रहा है, मीन्स उसका मजाक उड़ा रहा है. तो इसी कारण शी मस्ट हैव फेल्ट अनकंफर्टेबल बिकॉज शी लुक्ड अवे. अब क्या है, उनको देखकर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उनको देखकर उसने क्या किया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया. उसको लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बट उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया. लुक्ड अवे मतलब दूसरी तरफ देखने लग गई. गौरी सेड शी लुक्ड प्राउड एंड स्टक अप. अब गौरी एक लड़की है, वो कह रही है कि बड़ी प्राउड है ये, अपने आप को बड़ा समझती है, ठीक है, आप बड़ी घमंडी सी लग रही है लड़की. सो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे पर कमेंट करते हैं. आई थॉट शी लुक्ड लोनली एंड सैड. लेकिन जो राइटर है उसे लगा कि नहीं, बेचारी अकेली है, उदास है. शी डिड नॉट नो एनी वन. वो किसी को यहाँ पर जानती नहीं है. सो आई वेंट अप टू हर एंड सेड हैलो. इसीलिए मैं उठकर उसके पास गई और उसको हैलो बोला. The new girl smiled and suddenly looked happy. अब जो वो जो न्यू गर्ल थी वो हंसी और अचानक से खुश भी लगने लग गई. अब I asked her to sit next to me. मैंने उसको बोला तुम मेरी बगल में बैठ जाओ. And we started talking. और हमने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी. I was glad. Glad means happy. That I had said hello. मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने उसको हेलो कहा. बिकॉज शी इज अ रियली नाइस पर्सन. तो जब तक हम किसी से बात नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता वो कैसा है. तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है.
और इसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. द फनी थिंग इज दैट शी टू इज कॉल्ड मीना, शॉर्ट फॉर अमीना. और फनी चीज क्या थी उसके बारे में कि उसका नाम भी मीना था, और मतलब कि उसका जो मेन नेम था, मेन नेम अमीना था और शॉर्ट नेम उसका मीना था, और राइटर का नाम भी मीना था. तो ये दोनों बहुत खुश हुए अपना नाम सुनकर एक दूसरे के साथ मिलाकर कि हम दोनों का नाम सिमिलर है. शी हैज कम फ्रॉम मुंबई. कहाँ से आई थी वो? वो मुंबई से आई थी. हर मदर इज गोइंग टू वर्क हियर. और उसकी मम्मा भी वहां पर एज अ टीचर काम करने वाली थी. तो देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत से बीच में से जब इन बिटवीन क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि फनी थिंग क्या थी दोनों के बीच में, ठीक है, और उसकी मम्मा वो कहाँ से आई थी, उसकी मम्मा क्या करने वाली थी, वो मम्मा उसकी मम्मा क्या करती थी. तो मामा अब इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज हर मदर. तो हर मदर वाज अ टीचर इन द सेम स्कूल इन व्हिच शी वाज गोइंग टू स्टडी. उसी स्कूल में उसकी मामा टीचर बनकर आई थी. तो इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. सो वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स एंड आर इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग्स. तो हम दोनों मीना और अमीना दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गई, और दोनों में दोनों का इंटरेस्ट जो था सेम चीजों में ही इंटरेस्ट था दोनों का. वी प्लान टू डू थिंग्स टुगेदर. हम काम इकट्ठा प्लानिंग करके इकट्ठे काम करते थे. वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉल आवरसेल्व्स द मीना डुओ. इज़न्ट दैट कूल. अब हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे को मीना डुओ बोलेंगे, और मीना डुओ बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा. इज़न्ट दैट कूल. मजा आया ना. ग्रैंडफादर से पूछ रही मामा कितना अच्छा लगा ना. अब फिर दूसरी साइड वो पूछती है हाउ आर यू एंड नानी. अब नानू से पूछ रही है. पहले तो अपने बारे में बता दिया, अब पूछ रही है कि आप कैसे हो, आप और नानी कैसे हो. व्हेन विल यू विजिट अस. आप कब हमें मिलने आओगे. आई रियली मिस यू बोथ विद लॉट्स ऑफ लव योर लविंग ग्रैंड डॉटर मीना. बहुत से प्यार के साथ उसने लेटर को क्लोज किया. अब हम नानू का रिप्लाई जो है नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे. अभी तक आप इसी को ध्यान से 4-5 बार सुनोगे ना बेटा, आप इन बिटवीन कोई भी आंसर कर सकते हो, ठीक है. तो जब तक हम सेकेंड वीडियो आपको आपके लिए अपलोड करते हैं, तब तक आप इसी को सुनते रहो. राइट, ओके, टिल देन गुड बाय.